अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने कहा है कि अगर अवतार 2 मूवी $2 बिलियन से कम कमाती है तो उनका नुकसान पक्का है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इतना खर्चा कैसे हो सकता है, अब अवतार 2 मूवी $2 बिलियन में तो बनी नहीं होगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है और जो 13 साल का वक्त इस मूवी को बनाने में लगा है, उस 13 साल में हुआ खर्चा भी जेम्स कैमरोन ने अपनी मूवी के बजट में ऐड कर लिया है। इस मूवी में डिज्नी ने लाइट एलईडी वॉल्स का भी यूज किया है। अब जब इतना ज्यादा खर्चा हुआ और इतना ज्यादा टाइम लगा हो तो मूवी का $2 बिलियन कमाना जरूरी है। इस मूवी के अंदर जो अंडर वाटर सीन दिखाए गए हैं की शूटिंग में अंडर वाटर ही की गई थी, उसके लिए इन्होंने एक टैंक बनाया था। तो भैया अवतार का पहला पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था और इस मूवी ने लगभग 20,000 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एवेंजर्स को लगभग 2 बार रिलीज करना पड़ा था। तो अब इस मूवी का दूसरा पार्ट आया, लोगों का कहना है कि ये मूवी 50,000 करोड़ रुपए की कमाई पक्का करेगी। खैर ये मूवी रिलीज हो चुकी है और आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्रेलर और टीजर्स को देखने के लिए रेडी हो जाओ। नंबर 10 पर है हाउसफुल 4 का ट्रेलर जिस पर लगभग 122 मिलियन व्यूज। नंबर 9 पर है जीरो मूवी का ट्रेलर जिस पर लगभग 123 मिलियन व्यूज है। नंबर 8 पर है बाहुबली 2 का ट्रेलर जिस पर लगभग 125 मिलियन व्यूज है। नंबर 7 पर है बागी 3 मूवी का ट्रेलर जिस पर लगभग 127 मिलियन व्यूज है। नंबर 6 पर है वॉर मूवी का ट्रेलर इस पर लगभग 136 मिलियन व्यूज है। नंबर 5 पर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर इस पर लगभग 138 मिलियन व्यूज है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर। नंबर 4 पर है द इनक्रेडिबल्स 2 का ट्रेलर इस पर लगभग 164 मिलियन व्यूज है और ये एक एनिमेटेड मूवी है। नंबर 3 पर है एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर इस पर लगभग 165 मिलियन व्यूज है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर। नंबर 2 पर है एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर का ट्रेलर इस पर लगभग 266 मिलियन व्यूज है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर। तो नंबर 1 पर जो टीजर है उसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। तो नंबर 1 पर है केजीएफ 2 मूवी का टीजर इस पर लगभग 266 मिलियन व्यूज है। तो ये थे वो टॉप 10 ट्रेलर और टीजर जिन पर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर फिजिकल एकेडमी, ये नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसे चलाता है ये आदमी। इस एकेडमी में बच्चे फौजी बनने के लिए आते हैं। इनका कहना है कि अपनी एकेडमी में बच्चों को आर्मी की भर्ती के लिए ट्रेन करते हैं। अब भर्ती का तो पता नहीं पर यहाँ पर आर्मी भर्ती के नाम पर पूरी बकचोदिया होती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कितने दिन हो गए हैं आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चलो। नहीं, आपको डांस भी सिखाएंगे, एक्टिंग भी सिखाएंगे, साथ के साथ आपसे मजदूरी भी कराएंगे, लेकिन फौजी बनाएंगे या नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट है। और तो और, अब ये गए हैं गदर 2 मूवी की शूटिंग पर, जहां ये और इनकी पलटन बनी है इंडियन आर्मी के जवान। नहीं, इनका हिसाब बिल्कुल सही है, अगर आप रियल लाइफ में फौजी नहीं बनती है तो ये अकेडमी आपको फिल्मों में फौजी बनाकर आपका फौजी बनने का सपना साकार करा देगी। नहीं मतलब जो बच्चे इस अकेडमी में फौजी बनकर देश की सेवा करने का सपना लेकर आते हैं, ये अकेडमी उन्हें बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देती है फिल्मों में। तो 2022 में अपनी बेहतरीन स्टोरी और दमदार एक्शन से धमाल मचा देने वाली ट्रिपल आर का सीक्वल आएगा या फिर नहीं, तो कुछ यूनिक सा लेकर आए हैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर, जिसने की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यहां तक कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। इस फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 1150 करोड़ रुपए की कमाई की। पर क्या इस मूवी का सीक्वल भी आएगा जिस तरीके से बाहुबली और केजीएफ के सीक्वल आए थे? भैया ट्रिपल आर की कहानी लिखी है एसएस राजामौली के पिताजी विजेंद्र प्रसाद जी ने, और जब एसएस राजामौली से ये पूछा गया कि क्या ट्रिपल आर का सीक्वल आएगा, तब उनका कहना था कि उनके पिताजी ने ट्रिपल आर के सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ट्रिपल आर का सीक्वल आना चाहिए या फिर नहीं, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।